हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नेक्स्ट केयर ऑफ ओरल कैविटी, माउथ केयर। ठीक है, अपन क्या पढ़ेंगे अब? केयर ऑफ ओरल कैविटी, जो अपनी ओरल कैविटी होती है, ओरल म्यूकस, उसके बारे में और माउथ केयर के बारे में। अब देखो, कॉन्शियस पेशेंट में क्या होता है? डेफिनेशन, इट इज द प्रोसीजर ऑफ असिस्टिंग द वीक और डेबिलिटेड फॉर क्लीनिंग माउथ बाय मैकेनिकल ब्रशिंग ऑफ टीथ एंड रिंसिंग द माउथ। डेब्रेशन, देखो ये क्या एक प्रोसीजर है जो असिस्ट किया जाता है, वीक है, कोई डेबिलिटेटेड पर्सन है, डिसेबल पर्सन है, जो खुद से अपनी जो केयर नहीं कर सकता, उसके लिए फॉर क्लीनिंग द माउथ, माउथ को क्लीन, जैसे मैकेनिकल ब्रशिंग, मैकेनिकल इलेक्ट्रिक ब्रश से उसको माउथ दिया प्रोवाइड की जाती है टीथ के लिए। और रिंसिंग, माउथ को क्या है, क्लीन किया जाता है पानी से, उसको बोलते हैं ओरल केयर। ठीक है, इंडिकेशन, माउथ ब्रीथर, जो जिसके माउथ ब्रीथर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फेस मास्क को, ठीक है, उनके लिए पेशेंट नील पर कोई एनपीओ रखे गया कि कुछ भी मुंह से नहीं लेना, उसके लिए ओरल सर्जरी पेशेंट स्टराइल, इस पर किसी को ओरल सर्जरी की गई है, टॉन्सिलेक्टोमी वगैरह, ठीक है, उसके लिए पेशेंट ऑन ऑक्सीजन, कोई ऑक्सीजन इनहेलेशन, जिसको ऑक्सीजन दी जा रही है, ठीक है, उसके लिए चाइल्ड अंडर 3 ईयर, कोई 3 साल छोटा बच्चा, उसके लिए एंड पेशेंट हु आर रेलिवेंट टू मेंटेन एडिक्वेट ओरल हाइजीन, और ऐसा पर्सन जो अपनी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है, इसके लिए प्रोवाइड की जाती है ओरल केयर। पर्पज, अब देखो क्या उद्देश्य है, किस लिए अपन ओरल केयर प्रोवाइड करते हैं? टू मेंटेन द हाइजीन ऑफ माउथ, टेथ, गम्स एंड लिप्स। क्या मेंटेन करनी है? क्लीननेस मेंटेन करनी है माउथ की, टीथ की, गम्स की और लिप्स की। नेक्स्ट है टू क्लीन द माउथ ऑफ फूड पार्टिकल, प्लेग एंड बैक्टीरिया। क्या क्लीन करना है? माउथ से फूड पार्टिकल है, तो कोई खाने का टुकड़ा वगैरह अगर दांतों में चिपका हुआ, उसको रिमूव करना है। प्लेग है, वहाँ पे कोई प्लेग बन रखा है, मतलब एक डिपोजिशन हो रखा है, और बैक्टीरिया वगैरह माइक, उनको रिमूव करना है, उसके लिए करते हैं। फिर है द एलिवेट डिसकम्फर्ट, अनप्लीजेंट ऑडर उठे। अब आप कई दिन तक बूट्स नहीं करते, तो अनप्लीजेंट स्मेल आती है, बदबू आती है, उसके लिए टू इनहांस द वेलबींग एंड कम्फर्ट, टू स्टमुलेट एपिटाइट। ये किस लिए जरूरी है? इनहांस वेलबींग एंड कम्फर्ट, टू स्टमुलेट एपिटाइट, अच्छी भूख लगे, इसके लिए करते हैं। फिर है टू प्रिवेंट सोर, कैरीज एंड इन्फेक्शन टू ओरल टिश्यूज, जैसे ओरल टिश्यू है, ऊतक है, ठीक है, ओरल म्यूकोसा में जो टिश्यू होते हैं और माउथ के अंदर जो ऊतक होते हैं, उनमें क्या हो, घाव ना हो, कैरीज, दांतों के अंदर कैरीज ना हो, ठीक है, और इन्फेक्शन प्रोड्यूस ना, इसके लिए। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन ये ना हो कि कहीं म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो, ड्राई हो जाए, सूख जाए, इसके लिए अपन क्या करते हैं, ओरल कैविटी को ओरल केयर प्रोवाइड करते हैं या माउथ केयर प्रोवाइड करते हैं। अब देखो आर्टिकल्स क्या क्या यूज करते हैं। एक क्लीन माउथ ट्रे कंटेनिंग फेस टॉवल, ठीक है, टॉवल का मतलब तौलिया लेते हैं फेस को साफ करने के, टम्बलर एंड फीडिंग कप कंटेनर वाटर, ठीक है, फीडिंग कप कंटेनर पानी डालते हैं उसमें, ठीक है। फिर आता है सोप ब्रिस्टल टूथ ब्रश, एक सोप ब्रिस्टल जो उसके अंदर जो लगे होते हैं वो दांते, ठीक है, जो क्लीन करते हैं अपन यूज में लेते हैं, वो सॉफ्ट होने चाहिए। फिर आता है टूथपेस्ट, टूथ पाउडर अवेलेबल डेंट्रीफाइज, जो दांतों को साफ करने के लिए यूज होते हैं, उसको बोलते हैं डेंट्रीफाइज, अवेलेबल टूथपेस्ट है या टूथ पाउडर। माउथ वॉश सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन का यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेना चाहिए, थाइमोल लेना चाहिए, डाइल्यूट सोल्यूशन लेना चाहिए, पोटेशियम परमैंगनेट का 1:1000, ठीक है, लिस्टरीन क्लोरहेक्सिडिन का यूज करें, सोल्यूशन है, कॉटन अप्लीकेटर है, कॉटन बॉल है, ये लेने चाहिए, इमोलेंट इन कंटेनर, ग्लिसरीन है, लिक्विड पैराफिन है, वेस्लिन कोकोनट, इनको क्या एक कंटेनर में डालना चाहिए। के बेसिन इमेज स्ट्रे एज वन कुड बी पेपर बैग, जिनमें क्या होता है, पेपर बैग होना चाहिए, स्मॉल मैकिंटोस होना चाहिए जो हेड के नीचे लगाते हैं, क्लीन ग्लव्स, साफ सुथरे ग्लव्स होने चाहिए, दस्ताने होने चाहिए। अब देखो प्रोसीजर कि अपन क्या क्या प्रोसीजर कि किस प्रकार अपन माउथ केयर है और ओरल केयर है वो प्रोवाइड करते हैं। अब देखो, एक तरफ तो है नर्सिंग एक्शन, एक है नेशनल नर्सिंग एक्शन, क्या होता है कि अपन क्या प्लानिंग की और क्या एक्शन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, और रेशनल मतलब उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। अब देखो, फर्स्ट है असेस द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द कंडीशन ऑफ हिज माउथ एंड लेवल ऑफ कॉन्शियस। पहले क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए माउथ की कंडीशन कैसी है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, और उसका जो अलर्टनेस कैसी है पेशेंट का, अलग अगर वो अलर्ट है तो उसको सेल्फ माउथ ब्रीथिंग के लिए प्रेरित करना चाहिए, इंकरेज करना चाहिए। अब देखो ये क्या रेशनल क्या निकलता है, इसको असेस करने के पीछे क्या रीजन है, हेल्प करता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ओरल हाइजीन इन पेशेंट रिक्वायर, कि उसको किस प्रकार के जो ओरल हाइजीन है
उसकी हाइजीन मेंटेन है या नहीं है, ओरल हाइजीन, और किस टाइप की उसको केयर रिक्वायर है, असेस करने से ये पता चलता है। फिर है इंस्पेक्ट द इंटेग्रिटी ऑफ लिप्स, टेथ, बकल म्यूकोजा, गम, प्लेट एंड टंग। अब देखो इंस्पेक्ट मतलब पता लगाना चाहिए, द इंटेग्रिटी ऑफ लिप्स मतलब कंटिन्यूटी, कोई ब्रेक उनके अंदर कटा फटा तो नहीं है, कोई ब्रेक तो नहीं है बिकल म्यूकोजा और गम प्लेट और टंग के अंदर। फिर ये क्या कहता है, असेस रेशनल क्या होता है इसका, असेस द स्टेटस ऑफ पेशेंट ओरल कैविटी एंड एक्सटेंड द नीड ऑफ ओरल। ये क्या असेस करना, क्यों क्यों नीड ऑफ ओरल हाइजीन के, नीड के लिए अपन असेस करते हैं। फिर है असेस द पेशेंट्स एबिलिटी टू ग्रास्प एंड मैनिपुलेट द टूथब्रश, पेशेंट की एबिलिटी देखो ग्राफ्ट करने की, किसी चीज़ को निगलने की, और मैनिपुलेट टूथब्रश को मूव कर पाता है नहीं, तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा एंजाइटी, प्रमोट पेशेंट पार्टिसिपेशन, पेशेंट का तालमेल बनाए रखेगा और उसको साथ कोऑपरेट करने में हेल्प करेगा और उसकी जो तनाव उसको कम करेगा। फिर एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू पेशेंट एंड इंक्रीज फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। एक्सप्लेन करना है पहले तो कि अपन किस प्रकार ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे, किस प्रकार टोल लगा के उसकी माउथ केयर प्रोवाइड करेंगे, पहले उसको बताना है ये क्या, और इंक्रेज करना है उसको एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कि आप हमारे साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, आप हमारे साथ सहयोग करो उस प्रोसीजर के अंदर। और इसमें क्या होता है, रेशनल प्रोवाइड प्राइवेसी, उसको क्या गोपनीयता प्राइवेसी प्रोवाइड की जाती है। फिर है प्रोवाइड द स्क्रीन, प्रोवाइड स्क्रीनिंग, उसको एसेप्टिक टेक्निक, जिससे क्या होता है लिमिट क्रॉसिंग, जिससे क्या होता है क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। फिर आता है ब्रिंग पेशेंट टू साइड ऑफ द बेड नियरेस्ट द नर्स, मतलब ब्रिंग पेशेंट को क्या साइड ऑफ द बेड, बेड के फ्रंट पे जाना चाहिए, साइड ऑफ नियरेस्ट टू द नर्स, पेशेंट को कहाँ लाना चाहिए, नर्स के एकदम पास लाना चाहिए, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रमोट करेक्ट बॉडी मैकेनिक्स एंड केस ऑफ वर्किंग, ये क्या करेगा करेक्ट बॉडी मैकेनिक्स, सेम पोस्चर मेंटेन करेगा और वर काम कर रहे हैं नर्स में हेल्प करेगा, जो नर्स काम कर रही है वर्किंग कंडीशन में हेल्प करेगा। फिर है वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स, पेपर नॉट स्टरलाइज। अब देखो वॉश हैंड, पहले हाथ धो, फिर क्या ग्लव्स पहनो, पेपर नॉट स्टराइल, जो पेपर है उसको स्टराइल नहीं करना चाहिए। प्रोवाइड कंफर्टेबल वर्किंग पोजिशन, इसमें क्या होगा प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजिशन दो पेशेंट को, ठीक है। अगर आप दस्ताने पहनेंगे हो तो क्या होगा, प्रोवाइड प्रॉपर वर्किंग पोजीशन देनी चाहिए। फिर है पोजीशन पेशेंट इन हाई फाउलर सेमी फाउलर एज टॉलरेटेड बाय क्लाइंट, पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, हाई फाउलर 45 टू, ठीक है, 9 डिग्री, और सेमी फाउलर एज टॉलरेटेड बाय, जो क्या करेगी प्रोटेक्ट करेगी पेशेंट को के क्लॉथ को फ्रॉम सॉइल, गंदे होने से बचाएगी, ठीक है। प्लेस द स्मॉल मैकिंटोश विथ फेस टॉल ऑन चेस्ट। अब क्या करना है, प्लेस करना है स्मॉल मैकिंटोश विथ फेस टॉल ऑन चेस्ट। अब स्मॉल मैकिंटोश के साथ फेस टॉल को प्लेस करना है चेस्ट के ऊपर, यह क्या करेगा प्रिवेंट करेगा स्वेलिंग, गंदा होने से बचाएगा। अब नेक्स्ट देखो प्लेस किडनी बेसिन क्लोज टू पेशेंट चिन, जो किडनी बेसिन है उसको कहाँ पे रखना है, क्लोज रखना है पेशेंट के जो ठोड़ी होती है चिन होती है उसके पास। अब देखो एंग मॉइस्चर एड इन डिस्ट्रीब्यूशन टूथपेस्ट ओवर द टूथ सरफेस। अब टूथ सरफेस से क्या ऐड करना है, टूथपेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि नमी हो वहाँ पे। अब इसमें क्या है, एंगल अलाउ ब्रश टू रीच द ऑल सर टूथ सरफेस एंड टू क्लीन अंडर गम लाइन वेयर प्लेग एंड टार्टर एक्युमुलेट। अब देखो एंगल अलाउ ब्रश, ब्रश को इस पार पहुंचाना चाहिए टूथ सरफेस के ऊपर, जो पर सरफेस एरिया होता है जो ऊपरी भाग होता है दांतों का, एंड टू क्लीन अंडर द गम, जो मसूड़े है वो उनके जो प्लेग है वो टाटर है जहाँ पे कुछ चिपका हुआ है प्लेग फॉर्मेशन या कोई कचरा वगैरह एक्यूमुलेट हो रखा है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। फिर है अप्लाई टूथपेस्ट टू ब्रश, ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट है सोल्यूशन है वो लेना है, होल्डिंग ब्रश ओवर बेसिन, बेसिन के ऊपर होल्ड करना है, ठीक है, जो आपका वाश बेसिन बोलते हैं गर्मी उसमें वैसा बेसिन होता है, ठीक है। पावर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ओवर द टूथपेस्ट के ऊपर, कुछ पानी का थोड़ा अमाउंट लेना है, ठीक है, उसको टूथपेस्ट के ऊपर डालेंगे। फिर है बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक पीछे जाए और फोर्थ मोशन डिसलोक फूड पार्टिकल कॉट बिटवीन टीथ एंड अलोक चेविंग। अब बैक क्या करना है, फोर्थ मोशन में घुमाना है ब्रश को, जिससे क्या होगा, तो फूड पार्टिकल है चेविंग सरफेस के ऊपर, जब जहाँ से अपन खाना चबाते हैं उस सरफेस से रिमूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट
पेशेंट को पहले बताना है और होल्ड टूथब्रश ब्रिस्टल्स 845 डिग्री एंगल टू गम लाइन, जहाँ पे गम लाइन है मसूड़ों की जो लाइन है वहाँ पे 45 डिग्री एंगल के अंदर ब्रिस्टल्स है जो टूथब्रश के जो दांते होते हैं आगे के उनको राउंड घुमाना है। ब्रश इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ अपर लोअर टीथ बाय ब्रशिंग फ्रॉम गम टू क्राउन ऑफ ईच अदर टू। इसमें क्या करना है, ब्रश है वो इनर और आउटर सरफेस जो अंदर और बाहरी सरफेस के ऊपर ऊपर और लोअर टीथ है टीथ के नीचे और ऊपर बाय ब्रशिंग गम टू क्राउन, जो क्राउन ऊपर दांत दाल जो ऊपर तीखे नुकली होते हैं उनको क्या बोलते हैं क्राउन, ठीक है, टू ईच टू जितने भी टीथ के जो ऊपर के भाग है क्राउन, क्राउन किसको बोलते हैं जो बोलते हैं ना अपन राजा का जो पहनता है ना उसको बोलते हैं क्राउन, ठीक है। वैसे क्या होता है टीथ के अंदर होते हैं ऊपर तीखे तीखे क्राउन, ठीक है। फिर होता है इसमें क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रेशनल क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट एंड ग्रो ऑन टंग सरफेस, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कलेक्ट होते हैं कहाँ पे और ग्रो होते हैं टंग सरफेस है जो टंग का ऊपरी भाग है सरफेस एरिया है जो टंग किसको बोलते हैं जीभ को बोलते हैं, और कॉन्ट्रीब्यूट टू ये क्या करेगा बेड ब्रीथ प्रोवाइड करेगा, गैगिंग में कॉज एस्पायरेशन ऑफ टूथब्रश, अगर आप गैग रिफ्लेक्स एक्टिव हो गया अगर ज़्यादा ब्रश अंदर चले गए तो क्या होगा टूथपेस्ट में इंक्लूड वॉमिटिंग भी हो सकती है। विग्रस ब्रशिंग जोरदार ब्रशिंग मोशन हेल्प टू रिमूव डेब्रीज एंड विग्रस टूथब्रश, मतलब अगर आप जोर तेजी से तेज ब्रश करोगे जोर लगा के तो उससे क्या होगा रिमूव करेगी डेब्रीज, वहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन रखा है डेड टिश्यू का तो वो रिमूव होगा। फिर है क्लीन द बाइटिंग सरफेस बैक एंड फोर्थ, क्लीन क्या करना है बाइटिंग जहाँ पे अपन खाना चबाते हैं उस एरिया को एंड फर्दर साइड फर्स्ट एंड क्लीन द नियर साइड अपर जा एंड लोअर जा। फिर क्या है फर्दर साइड फर्स्ट, साइड में से फर्स्ट क्लीन करना, फिर नियर साइड को क्लीन करना और अपर और लोअर जा को क्लीन करना। फिर है माउथ वॉश लीव ए प्लीजेंट टेस्ट इन माउथ, फिर क्या करें माउथ वॉश अगर क्लियर करेंगे माउथ वॉश तो वो क्या एक प्लीजेंट टेस्ट छोड़ेगा माउथ के अंदर एक अच्छा स्वाद आएगा। फिर है लेट द पेशेंट होल्ड द ब्रश एट सेम एंगल 45 डिग्री ओवर द टंग एंड ब्रश लाइटली ओवर सरफेस हॉरिजॉन्टली टेकिंग केयर नॉट इनिशिएट गैग रिफ्लेक्स। अब क्या करना है जीभ को क्लीन करना है, 45 डिग्री एंगल पे ब्रश को होल्ड करेंगे और टंग के ऊपर ब्रश को सरफेस को हॉरिजॉन्टली टेकिंग केयर करेंगे ताकि इनिशिएट गैग रिफ्लेक्स ना हो, ताकि मान लो ब्रश को टंग के ऊपर क्लीन करेंगे ताकि आगे ना पहुंचे ब्रश और गैग रिफ्लेक्स प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। ये क्या करेगा प्रमोट करेगा सेंस ऑफ कंफर्ट, जो कंफर्ट फील होता है अच्छा फील होगा उसको प्रमोट करेगा। फिर है लेट द पेशेंट टू रिंस माउथ थ्रोली टेकिंग माउथफुल वाटर एंड स्पिटिंग इन टू किडनी ट्रे, फिर क्या है पानी को मुंह में डालेंगे और उसको कुल्ला करवाते हैं, वैसे बोलते हैं इसको माउथफुल जैसे कुल्ला करवाएंगे उसको, और स्पिटिंग वापस किस में डालेंगे पानी को किस में थूकेगा वो किडनी ट्रे के अंदर, ठीक है। ये क्या करेगा प्रिवेंट एंड क्रैकिंग और ड्राई, इससे क्या होगा जो क्रैक नहीं होगा लिप्स के अंदर और ड्राई नहीं होंगे सूखेंगे नहीं लिप्स। फिर अलाउ पेशेंट टू रिंस माउथ बाई वॉश एज डिजायर्ड, अलाउ करते हैं पेशेंट को माउथ को साफ करने के लिए क्लीन करने के लिए वाटर से। फिर असिस्ट वाइपिंग माउथ फेस टॉल, फिर उसके माउथ को फेस वॉश से फेस टॉल से क्या है क्लीन कर देते हैं तौलिए से उसके माउथ को, और अप्लाई इमोलियंट, इमोलियंट क्या है ग्लिसरीन कोकोनट ऑयल वगैरह उसके लिप्स के ऊपर लगाते हैं ताकि वो कटे या फटे नहीं। फिर आता है आफ्टर केयर नर्सिंग एक्शन एंड रिएक्शन, केयर प्रोवाइड करने के बाद में क्या होता है असिस्ट पेशेंट इन गेटिंग कंफर्टेबल, जहाँ पे सेमी फाउलर ठीक हाई फाउलर पोजिशन उसको वापस सफाइन पोजिशन में फाउलर कंफर्टेबल पोजिशन जैसा हो जाता है वैसे पोजिशन में उसको लिटा दें। डिस्कार्ड द वेस्ट, जो भी वेस्ट है कचरा निकला है क्लीन यूज आर्टिकल यूज किए और ठीक है आपने जो आर्टिकल यूज लिए हैं एंड रिप्लेस इक्विपमेंट ऑन राइट प्लेस, इसमें क्या होता है डिस्कार्ड कर देना चाहिए वेस्ट को, अगर कोई वेस्ट एक्यूमेंट हुआ है वहाँ पे जनरेट हुआ है माउथ केयर के दौरान उसको डिस्कार्ड कर दो यूज आर्टिकल और रिप्लेस कर देना चाहिए इक्विपमेंट को स्टराइल करके जहाँ पे राइट प्लेस है, ठीक है स्टराइल एरिया के अंदर। मेंटेन यूनिट टिडीनेस, रेस्टल क्या निकलता है टाइडीनेस मतलब क्लीननेस मेंटेन करनी चाहिए हाथ, फिर क्या करना हैंड वॉश करने चाहिए। फिर डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर इंक्लूड टाइम सोल्यूशन यूज ड्रिंक, फिर क्या करना है डॉक्यूमेंट रिटर्न नोट्स लिख देना चाहिए प्रोसीजर के बारे में कि किस टाइम किया गया था क्या सोल्यूशन यूज किया गया था और क्या कंडीशन थी पेशेंट माउथ की प्रोसीजर करने से पहले और प्रोसीजर करने के बाद, टू डॉक्यूमेंट नर्सिंग इंटरव्यू क्लाइंट्स रिस्पॉन्स, और डॉक्यूमेंट नर्सिंग इंटरव्यूशन डॉक्यूमेंट रिटर्न नोट्स लिखना वो क्या करता है क्लाइंट और डॉक्यूमेंट करेंगे नर्स का क्या रिएक्शन है एक्शन क्या है नर्स ने क्या काम किया और
क्लाइंट का क्या रिस्पॉन्स रहा। ठीक है, ये था ओरल केयर और माउथ केयर कैविटी।